हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे बढ़ने से मंजिल की तरफ हर मुश्किल का सामना करना तू सीख दे दे, चलना सीख ले। लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच विद इससे पहले कि मैं आ, मीडिया को ये मौका दूं कि कुछ सवाल जवाब कर सके मेरे अंदर भी इतने सारे सवाल हैं जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं

इमरजेंसी बैकड्रॉप एक फिल्म बनाते हैं अभी तक तो किसी ने बनाई नहीं और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो और मुझे लगा कि सेवेंटीज है अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना दिल्ली खास करके वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की आज की जनरेशन को खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान इक्कीस मंथ की जो इमरजेंसी थी वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले पाँच छः साल से जब से सोशल मीडिया आया है तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे और ये कॉन्सेप्ट हमने वर्कआउट किया इस पर और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे और स्टार्टेड एंड पिक्चर क्या बात है है वी आर द रिलीज़ जुलाई को थैंक यू सो मच आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट फुल फ्लेजेड ये जो प्रोटैगनिस्ट का रोल है और जैसा हम बात कर रहे थे इस फिल्म की जब हम थोड़ी तैयारी कर रहे थे कि इट्स एन ऑथर बैग एकदम ऐसा जो आपको एक रोल दिया गया है सब कुछ इसमें आपने एक्सपीरियंस किया है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कॉन्फिडेंस के साथ में भरा हुआ लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसमें स्टैमर करते हुए हकलाते हुए दिखाया गया है इट्स अ पैराडॉक्स यू नो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग है हाउ डिड यू मैनेज दिस दोनों चीज़ें एक साथ एक कैरेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं uh, जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेकर फिल्म में इट इज़ समथिंग दैट

अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और पावरफुल और स्ट्रॉग वुमेन शी ऑलवेज वॉज प्रॉबली बट शी डेंट नो शी वॉज सो स्टैमरिंग की जहाँ तक बात है ऑफकोर्स इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टिस्टिक ऑफ इंदू सरकार इन द फिल्म एंड मेरे ख्याल से वो सबसे मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टिस्टिक भी था क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत स्टैमर को यू नो मैं उसको अच्छे से प्रजेंट कर पाऊँ उसमें गई है Uh, so, yes, I think uh, when you see the film, it will take you through the journey of Hindu Sarkar um, and you will very, very easily believe the growth that this character has in the film through what you see in the film. Kya we are waiting. Thank you so much. Uh, uh, टोटा जी भी हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं ऑन स्टेज पहली बार आप वहाँ से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से निकल करके यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड रोल कर रहे हैं जो कैसा लगा आपको हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मधुर जी एंड द होल टीम इन शॉर्ट आई कैन से दैट आई डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म बट दीज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर डेज दैट आई स्पेंड विद मधुर जी वॉज द हैप्पीस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ माई एंड एन आर्टिस्ट क्या एंड वॉट अबाउट यू कैरेक्टर Uh, all I can say that uh, Madhurji gave me a very specific brief as to what Naveen Sarkar is supposed to be like, and I just stuck to my brief. I am in the habit of listening to my director only, and only to the director. And of course, there was Sanjay Ji and Anil Ji, scriptwriters, and they also tutored me uh, uh, in the uh, uh, how the character would be like. So I kept that in mind and listened to what Madhurji had to say. वही चीजें आप फिर से दिखा रहे हैं क्या माहौल भी आप लोगों का क्या जिंदगी आपकी ऐसी हो गई थी कि आप सत्तर के दशक में पहुंच गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन इट्स वेरी पावरफुल जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला एंड एज अ सिनेमा गोअर आई थिंक इट्स गोइंग टू डू ब्रिलियंटली वेल बेस्ड ऑन द फिल्म एंड एवरीबडी इज डन अमेजिंग वर्क बारह फिल्में बना चुके हैं मधुर भंडारकर साहब और हर फिल्म के बनाने से पहले मैं इनको बोलता था फ़ोन करके खुद के सामने से कि मधुर जी फिल्में ले रहे हो कि नहीं ले रहे <laughs> You can ask him. Yeah. He witness to this. Every film, whether I had done 400 films, 380 films, 500 films, I used to pick up the phone the moment and usually it was Ashok ji who used to say से शुरू कर रहा है फिल्म तो वो मेरे गुप्तर विभाग के हैं वो हर जगह की खबर मेरे को देते रहते हैं तो हर फिल्म के शुरुआत होने से पहले इनको ये राइटर को बुलाते होंगे और मैंने हर फिल्म से पहले इनके साथ स्ट्रगल किया है सो एंड आई एम सेंग इट प्राउडली आई थिंक दट्स वाई आई कैन डू सो मच वर्क बिकॉज द डायरेक्टर्स दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद इज नो स्मॉलनेस अबाउट गोइंग एंड आस्किंग फॉर वर्क आई थिंक द होल होम वर्क वॉज डन बाय मधुर एंड हिज ब्रिलियंट राइटर्स वी डिंट हैव टू डू एनी थिंग वी जस्ट नीडिड टू बिलीव दैट वॉट ही हैज बिलीवड इन दैट वी हैव टू परफॉर्म सो टू से हमने कुछ ज़्यादा किया है एंड लकीली

मेरे दोस्त बारहवीं फिल्म में आपने मुझे ले लिया मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्त एंड आई एम लाइक ए बैड हैबिट नाउ ही इज नॉट गोइंग टू मेक ए फिल्म विदाउट मी कमिटमेंट ले रहा कमिटमेंट ले लिया है सर <laughs> मधुर जी लेकिन बहुत सारे लोग अब आपको फोन आने वाले हैं हर मूवी के पहले ले रहे कि नहीं ले रहे अब, अब ये डर के मतलब कहां जाएगा और अशोक पंडित को अपनी मीटिंग से दूर रखेगा wow, lovely. Uh, Neil, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिल्म इसके पोस्टर जब आए थे जब आपका वाला पोस्टर आया था वी हैव टू रियली लाइक जूम इन एंड सी ओ माई गॉड ये आप ही है सो so, क्या लगता था आपको किस तरह की प्रेपरेशन होती थी टू गेट इन टू दिस लुक वेरी गुड इवनिंग Well, uh, 1975. I wasn't born in uh, 1975. I was born in 1982. So, uh, The first time Sir called me to the office and narrated me uh, a synopsis, I said definitely because uh, I was very very bad in history <laughs> as a student. So this was my uh, my chance to go back in time and and probably study something that I wasn't uh, aware of as much and I didn't know a lot of. So uh, during the uh, during the one 15 day uh, session that we had with him every day for about an hour two hours he would you know kind of tutor me through the entire uh, series of events that happened uh, in 1975 and that really attracted me towards the film as well as far as the look is concerned um, i was extremely skeptical to to begin with um, we first initially thought that we'll probably shave off the head and and try and see if we can uh, you know, just to recreate the look by actually going bald. And I was ready to do that. But unfortunately, I had commitments of uh, two other films at the same time. And you were going to get married. Yes. And I was to get So I just requested him if he could do something else. So we tried prosthetics. So the entire makeup team, Vikram sir, my entire team, uh, Vasim bhai, Vicky, all of us, we all sat down and we sat in the office for about six, seven hours. and. Slowly went into stages and created the look. And once that was done, I got a little confidence. And then, of course, the script came. Sanjay Ji's lovely dialogues were there. And then, I think he gave me a free hand and said, "Okay, just recreate the character." And thank you, sir. Thank you so much. It's my second film with him, yeah. and I'm extremely proud. That uh, you know, I feel very thankful to you and grateful that you, you know, consider me to be a part of this film. Thank you. मधुर जी शादी के बाद शूट करना चाहिए था शादी के बाद वैसे भी बात <laughs> तो अभी, अभी अभी है वैसे नहीं <laughs> <laughs> right, नहीं है कि जिनके बाल नहीं होते उनकी शादी आई वाज वेटिंग फॉर दैट विद दिस किसी के भी पास सवाल हो तो माइक यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है आ, माइक माइक भिजवाएंगे आप प्लीज क्या हाँ काफी बुक्स पढ़े जैसे कि कुलदीप अनटोल इमरजेंसी एक बुक है कोमी कपूर जी की बुक है द इमरजेंसी और शाह कमीशन पढ़ा और काफी काफी स्मगलर्स ऑफ एक इमरजेंसी में बुक है काफी चीज है तो ऐसे रिसर्च किए नेहरू सेंटर में मुझे बहुत हेल्प मिला नेहरू सेंटर और आर्काइव्स है दिल्ली में वहाँ पे मैं और अनिल पांडे जी हम वहां पे गए बैठे कम से कम दो तीन महीना वहां पे हम लोग काफी मटेरियल मिला और इसको थ्रू इवेंट्स पे रख के हमने इसको फिक्शन कैरेक्टर ऐड किया है कीर्ति का जो कैरेक्टर है टोटा जी का कैरेक्टर है बाकी कहीं कैरेक्टर पिक्चर में कहीं से इंस्पिरेशन काफी मिला उससे टू दिस फिल्म

अच्छा मधुर जी आपने कहा ए, आपने कहा ये रियल इधर 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 जलवा जलवा ये रियल इंसिडेंट पे बेस है इंस्पायर्ड है इंस्पायर्ड हाँ, हाँ, है हाँ, तो वो जो लास्ट का डायलॉग था कि आप माँ बेटे के गुलाम है कि वो रेफरेंस किसका था सब <laughs> so, वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो जो हमारी फिल्म है। <coughs> <coughs> में मेरे ख्याल से देखिए जो आप सोच रही हैं वही था वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है आपका सवाल में अपने आप ही जवाब है अच्छा एंड एंड नील सिंस नाउ यू आर मैरिड एंड दिस इज योर फर्स्ट फिल्म आफ्टर मैरिज जी सो दिस फिल्म इज गोइंग टू ब्रिंग लोड्स ऑफ हैप्पीनेस टू यू व्हाट डू यू हैव टू से

<laughs> well, uh, <laughs> I'm I'm just very proud being a part of this industry. I'm born in this uh, in this beautiful family of of creators and and makers. Well, after marriage, um, I'm just hoping that uh, Rukmini is even more proud, and uh, this definitely is a very uh, uh, challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank <laughs> you. <coughs> वेल सेवेंटी सेवेंटी अपना सेवनटी थर्टी पकड़ लो सेवेंटी परसेंट इस फिक्शन एंड थर्टी फोर्टी परसेंट वुड से रियल जो इंस्पायर्ड है जो जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है या उसके बारे में बोला गया है या किताबों में लिखा गया है डेफिनेटली इमरजेंसी का बैकड्रॉप अगर फिल्म बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक इंस्परेशन तो मिलता ही है तो काफ़ी चीज़ें से आप को करोगे जब आप टोटैलिटी में इसको पिक्चर को देखोगे तो अजीज़ नादा का गाना इसे चुना क्योंकि मेरे ख्याल से सेवेंटीज़ में ढलता सूरज धीरे धीरे जितना पॉपुलर गाना था वो मुझे रिक्रिएट करना था और हमारी जो म्यूज़िक कंपनी सारे गामा से हमारा टाइप हुआ है तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा गाना जो रेट्रो हो जो पॉपुलर हो मेरे ख्याल से अजीज़ नादा साहब की जो कवाली है वो एक बड़ी फ़िलोसॉफी को लाता है चाहे वो

तो मेरी शुरुआत uh, क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज़्यादा नर्वस uh, नर्वस थी या यू नो परेशान थी आई स्टार्टड वॉचिंग अ लॉर्ड ऑफ विडियोज स्टैमरिंग विडियोज टू बिगिन विथ जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है इन द इन द फिल्म माई कैरेक्टर इन दू लूज अ पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ अ चाइल्ड हैज़ अ स्पीच इम्पेडिमेंट यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाउ डज़ इट अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजिकली इमोशनली मेंटली थ्रू द थ्रू द इयर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड ऑफ कोर्स हाउ ही और शी शेप्स अप एज एन एडल्ट

कैरी कर सकती हूँ थ्रू द फिल्म समथिंग दैट लुक्स कंसिस्टेंट समथिंग दैट डजन लुक फेक समथिंग दैट पीपल डोंट लाफ एट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट वॉज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट आई थिंक मधुरन इज़ जो हमें ब्रीफ मिला था ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि स्टैमरिंग ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पर बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम द होल पर्पज़ ऑफ द कैरेक्टर एंड द होल फिल्म सो so, ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आई मेट विद थेरेपिस्ट एंड आई हैड अ कपल ऑफ सेशंस विद हर एंड कर कर आके अफकोर्स आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग ऑन माई यू नो बाई माई सेल्फ तो आई थिंक दैट समथिंग दैट बेन्ट इन टू द स्टैमरिंग बिट ऑफ इट उसके अलावा अफकोर्स द रिसर्च इन टर्म्स ऑफ माई कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ माई लुक इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स मेकअप वॉज सो स्ट्रोंग फ्रॉम मधुर एंड इज होल टीम कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन uh, नहीं देना पड़ा या नहीं ऐड uh, करना पड़ा एंड आई थिंक अप्रोच अगर मैं बताऊँ कि मैंने कैसे किया इस कैरेक्टर को तो आई थिंक द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ आई वुड प्रोबली हाउ आई वेंट अबाउट इट इन पिंक और एनी अदर फिल्म ऑफ माइन सो द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग द नो द ग्राफ वॉज लाइक like I would have prepared for any character in today's times. So, yeah, all of these things put together, I think, um, I think it's it's turned out well. Uh, hello, hey. Anupam sir. Uh, yeah. yeah. Yeah, yeah, sir. This is Ravi. <wrecking> in the <movie> yeah, uh, हिरन को हिरन घायल होने के बाद नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है डिपेंड करता स्क्रिप्ट क्या है वो आ, आ, किस तरह से उसका सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता आ, ना आ, अनुपम सर रवि सर जानना चाहूँगा जैसे मधु जी ने बताया कि आ, बहुत सारा पार्ट जो है फिल्म का एक सबस्टैंशियल पार्ट जो है फिक्शनल है तो जानना चाहूँगा अनुपम सर यह कि आपका करेक्टर आपका करेक्टर जो है वो रियल है या फिक्शनल है किस तरह का है वो मैंने इतनी फिल्में की हैं कि अब मेरे को उस तरह के रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है इन्होंने लाइनें दी मुझे थोड़ी समझ में आई बाकी इनका काम था uh, उससे मेरी एक्टिंग कुछ अलग नहीं हो जाने वाली थी कि पहले मुझे बताओ कि इसकी उम्र क्या है और इसके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं येस आई दैट थोड़ा सेट द स्क्रिप्ट वॉज सो कम्प्लीट एंड द कैरेक्टराइजेशन वॉज सो रियल एंड मथुर की फिल्मों की खासियत यह है कि रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेज के साथ साथ इट लुक्स लार्जर नाना जीरेक्टर इज बेस्ड लूजली और इंस्पायर्ड लूजली ऑन सर्टन पीपल एट दैट टाइम इन सेवेंटीज अनुपम सर आपकी एक और फिल्म आ रही बोलिए हां बोलिए मधुर जी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ आफ्टर एक जानना चाहूंगा आपने जैसे पता है है कि 70% फिक्शन तो एक जब सच्ची घटना पर आप फिल्म बनाते हैं और उसमें अगर बहुत सारी फिक्शनल चीजें आप ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ था या वैसा नहीं हुआ तो इस तरह की कोई अप्रिहेंशन है कि लोग बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि उस इरा में ये नहीं हुआ था

तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीजें नहीं हुई थी वो तो हकीकत है वो तो उसी में वो तो दिखाया उसमें तो मुझे नहीं लगता अगर शाह कमीशन है जैसे मैंने कहा hmm. कई ऐसी चीजें है दस्तावेज जिसके अंदर वो उनका उनका, उनका चीज़ों का दिखाया है कि क्या है बोल के वो अच्छा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि आ, सेंटर में इस वक्त आ, आ, राइट right विंग की सरकार है और आप एक फिल्म बना रहे हैं जो कांग्रेस के ज़माने की है जो कांग्रेस जब रूल किया करती थी तो कहीं ना कहीं आपको ये आशंका नहीं है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कुछ पोर्ट्रे करना चाहते कुछ इंटेंशनल है तो उस तरह के जो रूमर्स या जो बातें आएंगी तो उससे कैसे टैकल करेंगे आप और मैं मैं आपको जवाब देता हूँ पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले दो महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को इलेक्शन से पहले अगर इस तरह से मुझे लगता है या पांच स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है तो अट्ठावीस जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है तो जहाँ तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे नहीं लगता कि ये सरकार है, कोई भी सरकार हो मैंने बोला किसी फिल्म मेरी कंटेम्परेरी फिल्म हो कोई भी हो